हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। तो अभी मैं हूँ अपने ससुराल में बिहार में। मैं बना रही हूँ सुबह का जो है थोड़ा सा नाश्ता। हमारी काम वाली एक्चुअली आती है मॉर्निंग में, बट वो आई तो तब तक मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मुझे आज मतलब टमाटर की चटनी बनाना था। तो वो आती है तो नॉर्मली जो खाना उसको बताओ बना दो, और अलग से अगर आपको कुछ भी बनाना है तो वो आप बना लो। तो उसने मुझे कट वट कर दिया टमाटर वगैरह, तो मैं बोली मैं खुद से बनाऊंगी टमाटर की चटनी, क्योंकि मैं अपने तरीके से बनाती हूँ तो ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। वो लोग ऐसे कैसे बना के चली जाती है। और उसके बाद उसने बना के, वो जो बना के गई है वो है ये आलू और बैंगन की सब्ज़ी, जो कि नाश्ते में बना हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे बनाई है सब्ज़ी, और वहाँ पे ये चपाती भी बना के गई है। तो यहाँ पे टमाटर की चटनी और आलू बैंगन की सब्ज़ी और रोटी बन चुका है। तो चलिए पहले हम लोग नाश्ता कर लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो अभी दोपहर का टाइम हो गया है, और ये है भड़ोना वाली, जो कि हमारे यहाँ का सुबह का नाश्ता का जो बर्तन वर्तन होता है वो सब करने के बाद ये बैठी थी। तो ये चाय पी रही थी, तो मैंने सोचा इनका एक छोटा सा क्लिप ले लूँ। तो अभी ये चाय पी रही है, और यहाँ पे हमारी दीदी सास है जो कि बैठ के यहाँ पे सब्जी काट रही है खाने के लिए, मतलब खाना बनाने के लिए, खाने के लिए। तो उसके लिए वो परवल कट कर रही है, और आलू करेले की भाजी है। तो ये बहुत अच्छे सब्जी काट देती है बैठे बैठे, और सबसे बड़ा काम होता है। तो यहाँ पे लव्या सुबह का नाश्ता कर ली थी, तो बीच में उसको थोड़ा सा भूख लग गया, तो मैंने इसे सेब काट के दिया तब तक कि थोड़ा सा सेब खा ले, तो हल्का फुल्का भूख जो है इसका ख़त्म हो जाता है। और ऐसे भी ये एक नाश्ता बार बार नहीं करना चाहती है, बीच बीच में इसको चेंज कर करके कुछ कुछ देते रहिए। और इसको एप्पल ऑरेंज तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, एप्पल ज़्यादा ऑरेंज पसंद है, तो ये सब चीज़ें मैं इसे दे देती हूँ, तो ये बड़ी अच्छे से खा लेती है। तो ये अपना इधर खा रही है। तो अब मैं जा रही हूँ किचन, और लंच बनाने का टाइम हो गया है, तो लंच मैं ही बीच में बना लेती हूँ। काम वाली सुबह सुबह आती है तो वो क्या करती है, अगर आप उसे बोलो तो वो खाना बना देती है, पर वही है सुबह 8 बजे का खाना, और फिर 1:30-2 बजे हम लोग खाना खाते हैं, तो खाना खाने में मज़ा नहीं आता है। तो क्या होता है कि वो नाश्ता बना के चली जाती है, और खाना मैं ही बना लेती हूँ। तो अभी मैं आई हूँ दरवाजे पे, और देखिए मेरा घर जो है कितना सुना सुना है, क्योंकि कोई है ही नहीं घर पे, बस मैं हूँ, लव्या है, और लव्या के चाचू हैं, और एक मेरी हाँ सास है, दीदी सास है। तो देखिए घर कितना सुना सुना लग रहा है, और वो स्टॉक टाइप का रूम है, जैसे कि ट्रैक्टर वगैरह हमारा आता है तो वहाँ पर ट्रैक्टर वगैरह रहता है, बाकी जो भी घर का ड्रम वगैरह है तो वो सब ट्रंक वगैरह सब वहाँ पर है। और ये इधर हमारा न्यू घर जो बना हुआ है वो है, और उधर से जो है उधर से जाने वाला मेन गेट है, और इधर बहुत सारे फूल के जो है पौधे लगे हुए हैं, और यहाँ पे एक मचान बना हुआ है बैठने बैठने के लिए, और यहाँ पे एक ट्यूबवेल है, और इधर भी जो है बना हुआ है। इसमें एक्चुअली कुछ बीच में गाय वाय लेने का बात चल रहा था, तो इसलिए जो है वो बना हुआ है, और इधर फिर वॉशरूम है। इस तरह से हमारा घर, और ये हमारे वो मेरी सासू माता जी हैं जो कि नहीं है, तो उनका ही फ़ोटो लगा हुआ है हाँ। और ये हमारा पहले वाला घर, ये जो दरवाज़ा है एक्चुअली ये घर नहीं है, दरवाज़ा है, उधर भी एक रूम है, और इधर से जाता है ये आंगन है उधर। तो बस हाँ जी बेटा बोलो, मम्मा बोलो, कब गंदा हो गया। और ये देखिए वहाँ पर इतने सारे टमाटर लगे हुए हैं, इधर लगे हुए हैं, वो देखिए उधर लगे हुए हैं, और उसके अंदर लगे हुए हैं, मतलब एक दिन में कम से कम 10-15 किलो टमाटर टूट रहा है हमारे यहाँ से, इतना सारा टमाटर हो रहा है। बहुत सारे अड़ोसी पड़ोसी जो है सबको बहुत सारा हम लोग देते भी हैं, डेली देते हैं, फिर भी बहुत सारा टमाटर है। और यहाँ पे जो है पौधे लगे हुए हैं। मम्मा हाँ खाना किंडर जो है, अभी दादी गई है लाने के लिए, दादी गई है किंडर, पता नहीं किंडर जो है मिलेगा तुम्हें, बोल दी हूँ चिप्स वगैरह लाने की, चिप्स वगैरह बोली हूँ लाने। हेलो गाइस, देखो आंटी नहीं है खाना बनाने वाली, देखो मेरी मम्मा खाना आई, दादी गए और चाची गई। हाँ
वो आंटी खाना लाने वाली नहीं है, क्या करे, शायद रात में आएगी ना। हाँ रात में आएगी ना, जरूर आएगी, उसको हम फोन करें कि मेरी फ्रेंड नहीं आई भगवती। हाँ ना भगवती, हाँ सच में नहीं आई भगवती। हाँ अभी बेटा कोरोना टाइम चल रहा है, अभी किसी को घर नहीं देना चल रहा है। यहाँ पे अभी मैं उबाल रही हूँ, दो सब बन गई है, दो सब्जी, एक आलू परवल की सब्जी और एक आलू करेले की भाजी बन गई है। और यहाँ पे दाल भी भिगो के रखे हैं, तो दाल भी बनाऊँगी, पहले दूध उबल जाए, उसके बाद चावल बनाना है, उसके बाद चपाती बनाना है, तो सब कुछ बनाना है और फिर उसके बाद मुझे नहाने जाना है। यहाँ पर सारा खाना वाना बन गया है, ये रहा दाल, ये रहा करेले की भाजी और इसमें है आलू परवल की, इसमें है आलू परवल की सब्जी और इसमें मैंने सलाद भी जो है कट करके रख दिया है, क्योंकि नहा के आने के बाद फिर डायरेक्ट जो है खाऊंगी, पहले तो मैं दही रोटी खाऊंगी। और इसमें मैंने रोटी बनाया है और इसके ऊपर मैंने ये रख दिया है, क्योंकि रोटी जो है बिल्कुल गर्म रहे, क्योंकि थोड़ा सा ये लूज़ है, तो इसलिए मैंने ये कर लिया। और इसमें बना है चावल, तो आज ये सब मैंने किया है। वैसे तो हमारी काम वाली आती है, वही ये सब करके सब कुछ करके जाती है, मुझे खाने से मतलब रहता है, पर आज मुझे ये सब करना पड़ा, तो मैंने सोचा चलो व्लॉग भी बना लेते हैं, आप लोग के साथ शेयर भी कर देंगे। और यहाँ पर मैंने लव्या को दिया था टमाटर खाने के लिए, तो ये देखिए लव्या ने खा लिया, अंदर का गूदा खा लेती है और जो है ऊपर का छिलका छोड़ देती है टमाटर में, तो लव्या का ऐसे चलता है, तो उसको डाल देते हैं यहाँ पे। और चलिए अब मैं जाती हूँ नहाने के लिए, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है, क्योंकि 11:15 बज चुके हैं और ये काफ़ी लेट हो जाता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 10 बजे तक नहा धो के नाश्ता वास्ता करके मतलब सो जाते हैं, 2-3 घंटे के लिए सो जाते हैं, फिर 1-1.5 बजे उठते हैं, खाना वाना बना रहता है, बस खाना होता है, पर आज तो नहीं हुआ ये सब, तो लेट हो गया नहाने में, तो अभी मैं जा रही हूँ फटाफट नहाने के लिए। तो अभी जो है नहा धो लिया और मैंने एक बार खा लिया था नहा के, तो खाने के बाद थोड़ा सा आलस लग गया, क्योंकि सुबह से आज मुझे थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ा। मैंने बताया था आप लोगों को कि आज खाना मुझे बनाना पड़ा, वैसे मैं बनाती नहीं हूँ, तो क्या हुआ कि मैं काम करते करते थक गई, तो मैं थोड़ा सा खा के और फिर सो गई। और धूप भी बहुत हो जाती है 10 बजे के बाद, आंगन में इतनी धूप हो जाती है कि फिर आंगन में चलने फिरने का मन नहीं करता है, तो खा के थोड़ा सा लेट गई थी। फिर दोबारा उठी और अपने देवर को खाना खिला के और फिर से मैंने खाया, चावल दाल सब्ज़ी वगैरह मैंने नहीं खाया था, नहा के आई थी तो रोटी और सब्ज़ी दही सब ये सब खा लिया था, और फिर नहा के अभी आई तो सॉरी सो के उठी, तो फिर अभी खाना खाई, तो मैंने सोचा कि मैंने अपना व्लॉग तो किया ही नहीं कुछ, तो मैं अभी कर लूँ थोड़ा सा। तो अब खाना हो गया है और अभी बज रहा है 1:30, तो अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा सोने के लिए, 3-4 बजे तक सोऊंगी, 4 बजे तक सोऊंगी, जब तक आंगन में धूप रहती है तब तक जो है सोए रहते हैं, तब तक बाहर नहीं निकलते हैं, क्योंकि बहुत तेज़ धूप होती है आंगन में, बहुत तेज़। और बाहर भीतर में हम लोग रहते हैं तो क्या होता है कि पैक रहता है, पर गाँव घर में तो ऐसे ही खुला खुला रहता है, तो बहुत गर्मी लगती है और फिर चलने का मन नहीं करेगा। तो अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा सोने के लिए, लव्या भी सो गई है और जो दीदी है वो भी सो गई है, यानी कि हमारी दादी सास, दीदी सास, वो भी सो गई है, और अब मैं भी जा रही हूँ सोने के लिए, तो आप लोगों से मिलूँगी जब मैं सो के उठूँगी, फिर मिलूँगी, ठीक है। और मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि आंगन में कितना धूप है, बहुत तेज़ धूप है, देखिए आंगन में कितना धूप है। और देखिए कौवे मैंने अभी मौज कर रहे हैं, क्योंकि सभी लोग सो रहे हैं, तो लव्या रहेगी तो एक को भी नहीं आने देगी, फट 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 करके सबको भगाती रहती है। तो अभी लव्या सो गई है, तो जो है कौवे मैने का राज हो चुका है, तो कौवा मैना यहाँ पे पूरा अपना मस्ती कर रहा है, ठीक है। देखिए बहुत धूप है और आधा धूप इधर से जला मतलब इधर से जा चुका है और उधर पहुँच चुका है, तो जब तक ये धूप आंगन से ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग सोते रहते हैं, नहीं जगते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ लेटने के लिए, तो चलिए। तो अब मैं भी सोती हूँ और यहाँ पे मैं सोती हूँ, यही पे मतलब मैं रहती हूँ अभी, तो अब मैं सोती हूँ और जब सो के उठूँगी फिर आप लोगों से मिलूँगी चाय के टाइम पे, या फिर हो सकता है गांव में है कुछ चेंज भी हो सकता है रूटीन, ये मेरा वहाँ का रूटीन है, दिल्ली का रूटीन है, सो के उठो चाय पियो, यहाँ का रूटीन कुछ चेंज भी हो सकता है, उठूँगी फिर ये वो बहुत सारा कुछ आ जाता है सामने, तो चलिए अभी मैं पहले सो जाती हूँ। गाइस मैं अभी जग गई हूँ और जो है वही टाइम सो के उठी, बाल में कंघी की, क्योंकि मैं 2-3 दिन पे बाल में कंघी करती हूँ, ऐसे मैं मोड़ मार के क्लच लगाते रहती हूँ। आज मैंने सोचा नहीं मैं कंघी करती हूँ, कंघी करने के बाद मैं आई हूँ चाय बनाने के लिए, और बस अभी सो के ही उठी हूँ, ना फेस पे पानी लिया ना कुछ लिया, क्योंकि मन नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा बट पहले चाय बना के पीती हूँ, एकदम से मूड फ्रेश हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर चाय बना रही हूँ और चाय बना के पहले मज़े से पियेंगे हम लोग, और उसके बाद
देखते हैं। चाय बन गया है और चाय बनने के बाद यहाँ पे दूध को भी गर्म कर लेते हैं, यानी कि दूसरी बार तीसरी बार उबालना पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ती है तो यहाँ पे फ्रिज में नहीं रखने मिलता है, बोलते हैं कि नहीं बाहर में ही रखो दूध को और दो तीन बार उबालते रहो। तो चलो भाई, जहाँ पे जैसा होता है वैसा ही करना चाहिए। तो बस वही मैं दूध को उबाल रही हूँ और गैस को कर देती हूँ कम और पहले मैं पी लेती हूँ चाय। तो यहाँ पे पियो तो बहुत अच्छा लगता है खाने में। मामा तरकारी दे दे पूछे रे मुखिया गया हटी आज से अब कौन लग कहां दे दे। तो अभी जो है चाय पी रहे हैं सभी लोग और मेरा चाय रखा हुआ है, और जब तक मेरा चाय आधा ठंडा नहीं हो जाता है तब तक मैं चाय नहीं पीती हूँ, कभी नहीं पीती हूँ। सभी लोग मुझे बोलते हैं कि हाँ कि चाय रखा लिया चाय क्या नहीं पी रहा है, पर जब तक मेरा चाय आधा ठंडा नहीं हो जाता है मैं चाय बिल्कुल नहीं पीती हूँ, क्योंकि पता नहीं शुरू से ही मुझे आदत हो गई है कि चाय बिल्कुल हल्का गुनगुना होता है तभी मैं चाय पीती हूँ, नहीं तो मुझे लगता है कि मेरा जो है जी जो होता है वो पक जाता है उस वजह से। और देख लीजिए दीदी का जो है पिया हुआ भी हो गया, पर मेरा चाय अब ठंडा आएगा कम 10 मिनट के बाद ही मैं पीऊँगी, तो मेरे चाय का ये स्थिति रहता है। दादी फर्स्ट आ गई, हम लोग पीछे हो गए। तो चलिए, और मेरे आंगन में जो है ना बहुत अच्छे अच्छे आम के पेड़ लगे हुए हैं, जिसके कारण कि हमारे जो आंगन में है गर्मी नहीं लगती है। शाम के टाइम पे इतना अच्छा लगता है आंगन में, इतना मज़ा आता है, मतलब वेट करते दोपहर में कि तब कब धूप निकले आंगन से, कि आंगन में चेयर लगा के बैठे, बहुत मज़ा आता है। और यहाँ पे एक सिंघाड़े का जो है सिंघाड़ फूल जो होता है उसका भी पेड़ था, बहुत बड़ा सा पेड़ था, पर सभी लोगों ने उसको कट करवा दिया क्योंकि आंगन में कोई तो यहाँ पे रहता नहीं है, घर सारा बंद पड़ा रहता है। हम ही लोग कभी भी आते हैं तो घर खुलता है, नहीं तो हमेशा घर बंद ही रहता है, कभी मैं आती हूँ कभी दीदी लोग आती है, नहीं तो ऐसे ही ताला लगा रहता है। कब आ गया? तो ऐसे ही जो है घर नहीं घुसेगा, तो ऐसे ही जो है घर सब में ताला लगा हुआ रहता है। तो जो है ये लोग बोले कि नहीं घर में इस तरह से ज़्यादा जंगल नहीं होना चाहिए, ज़्यादा जंगल होने से मच्छर भी होने लगता है बहुत ज़्यादा, बैठो यहाँ पे तो बैठने नहीं देता है, इतना ज़्यादा मच्छर काटने लगता है। तो वो पेड़ को जो सिंघाड़े के पेड़ को वो कटवा दिया गया है वहाँ पे था, और अभी तुलसी माता भी मतलब बहुत मतलब बड़ा हो गया था तो वो पेड़ सूख गया था, तो उसको भी निकाल के, और अभी छोटा सा उसमें पौधा है, नहीं तो चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, मेरे दरवाजे पे भी कटा हुआ सबका पेड़ है, तो मज़ा आता है। और न्यू घर तो अभी उधर जाते नहीं हैं, अभी इधर ही रहते हैं क्योंकि इधर ही ज़्यादा मज़ा लगता है, क्योंकि ओल्ड इज़ गोल्ड, तो वही बात है। और न्यू घर में ऐसे ही मतलब बस घर बार छोड़ दिया है गृह प्रवेश, बाकी उधर अभी नहीं जाते आते हैं ज़्यादा लगे। देखो ये बिस्किट है। तो अभी जो है जोत सब जला के मैं आंगन में बैठी हूँ, और अब देखते हैं खाने की क्या सब तैयारी होती है। और अभी टाइम हो रहा है 7:15 बज रहा है अभी, और जोत सब जल गया है और थोड़ा बहुत अंधेरा भी हो गया, ये देखिए उतना अंधेरा भी नहीं हुआ है लेकिन अंधेरा होना स्टार्ट हो गया है। ये लो गाइस, ये लो, ये लो गाइस, ये लो। मेरी गुल्ली अकेले अकेले बोर हो जाती है ना, कोई इसके साथ खेलने वाला नहीं है। वहां पे डैडी बैठे हैं। कौन बैठी है वहाँ पे? डैडी, दादी, नहीं डैडी, 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 डैडी। आज मैं गई थी जोत जलाने के लिए तो वहाँ पे सिंदूर रखा हुआ था, लव्या ने लेके इतना बड़ा सा टीका लगा दिया, मैं भी खुद भी लगा लिया, मुझे भी लगा दिया। और आप सभी को पता, गुड मॉर्निंग गाइस, कल वाला ब्लॉग मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया था, रात शाम तक मैंने ब्लॉग
किया, उसके बाद मैं ब्लॉग ही नहीं कर पाई, तो अभी सुबह से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया है और आज मैं उसे कंप्लीट कर दूँगी। तो अभी सुबह का टाइम है, 6:45 हो रहे हैं और हमारे यहाँ बढ़ौना वाली झाड़ू वाड़ू लगाने आ चुकी है और आंगन वगैरह में झाड़ू लगा चुकी है और अभी ये लगा रही है यहाँ पे, और उसके बाद बर्तन पर साफ करेगी तो फिर मैं जाऊँगी चाय बनाने के लिए, क्योंकि चाय बनाने वाला 2 सस्पेंड वहीं पे पड़ा हुआ है जो कि साफ़ नहीं है, तो पहले ये कर लेगी फिर साफ बर्तन साफ़ करेगी। और तब तक मैं जाती हूँ अपने मंदिर की सफाई कर लेती हूँ, और यहाँ पे लव्या भी है। लव्या गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइस। वो देखिए सूर्य भगवान को, ये देखिए वहाँ पे सूर्य भगवान दिख रहे हैं, वो वहाँ से सूर्य भगवान देख रहे हैं हम लोग को। एक तू ही है दौलत मेरी। तो यहाँ पे बढ़ोना वाले का सारा काम वाम हो गया है और वो पी रही है आराम से बैठ के चाय। तो मैं अब जा रही हूँ किचन और देखती हूँ क्या क्या नाश्ते में है। और ये देखिए मैंने जो है अपने पेड़ से ये पपीता तुड़वाया गया था, तो मैं इसे काट के लव्या को दे रही थी, इतना मीठा पपीता होता है ये। तो यहाँ पे मैंने मंदिर का सारा जो है बर्तन सब धो दिया है, फूल भी तोड़ के रख दिया है और मंदिर भी साफ़ कर दिया अच्छे से, और अब बस मेरे देवर आके पहले वो पूजा कर लेते हैं। सुबह सुबह ही वो नहाते हैं और नहा के भी 7:30 बज रहे हैं और मेरा ये सब काम हो गया है। तो चलिए पे नाश्ता पानी सब बन गया है और इसमें है इसमें बना है करेले और परवल की भाजी बनाया है मैंने, और यहाँ पे मैंने टमाटर की चटनी नाश्ते में, और उसके बाद जाकर क्या बोलते हैं लौकी की सब्ज़ी। तो यहाँ पे लौकी कटा हुआ है तो मैं लौकी की सब्ज़ी भी बनाऊँगी, क्योंकि खाना भी साथ में ही थोड़ा बहुत बना लेती हूँ और फिर बाद में गरम गरम दाल चावल सिर्फ बनाती हूँ, तो हो जाएगी लौकी की सब्ज़ी। करेले आलू करेले और परवल सबका मिक्स भुजिया हो गया, कड़मिक्स का भुजिया हो गया और टमाटर चटनी हो जाएगी, चावल दाल हो जाएगा तो काम चल जाएगा। और मेरे देवर नाश्ता कर चुके हैं, यहाँ पे मैंने अपने लिए भी सलाद कट कर रखा है, तो मैं भी अब नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने सुबह में बस थोड़ा सा पपीता खाया था और पपीता मेरा कट करके यहाँ पे रखा हुआ है, तो पहले मैं पपीता खा लेती हूँ उसके बाद मैं नाश्ता करूँगी। और यहाँ पर लव्या और उसकी दादी खेल रही है, लव्या अपनी दादी के साथ ये किस तरह से वो नेल पेंट का सारा लगा के। लव्या यहाँ पे खेलू खेलू कर रही है, एक दो और धूप आ चुकी है, देखिए कितनी तेज धूप है। लव्या ऐसे में मैं अभी नहा धो के आ गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ नाश्ता करने। तो नाश्ते में चपाती है, दाल है और ये करेले परवल का भाजी है, टमाटर की चटनी है और ये घिया लौकी की सब्जी है। तो ये मेरा आज का नाश्ता है और यहाँ पे है सलाद, तो इसे मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था, तो ये हो गया सलाद। तो चलिए अब मैं पहले नाश्ता कर लेती हूँ, ठीक है मुझे भी दो। सो गाइस सुबह का जो है नहाना धोना पूजा पाठ नाश्ता पानी सब हो गया, यानी कि सुबह का जो रूटीन है वो सब कंप्लीट हो गया, और अब जा रही हूँ 2-3 घंटा आराम करूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ जो है 11-12 बजे खाना बनना स्टार्ट होता है, क्योंकि 1-1.5 बजे सभी लोग खाना खाते हैं, सभी लोग एक देवर हैं और एक दीदी सास है तो वो लोग भी 1-1.5 बजे तक खाते हैं, तो बस खाना तो तुरंत बन जाएगा, चावल दाल बनना होता है, सब्जी मोटा मोटी सुबह में ही बन जाता है, बहुत सारा बन जाता है, तो नाश्ते में 2 जन कितना खाएंगे, तो बस वो तो दोनों तरफ कुकर पे चढ़ाओ और 15 मिनट के अंदर चावल दाल हो जाता है। तो अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा सोऊंगी, मोबाइल में फ़ोन में जो एडिटिंग वगैरह होगा जो भी कुछ होगा वो सब करूँगी और फिर 1-1.5 बजे जग जाऊंगी, उठ जाऊंगी और फिर जो देख लूँगी जो काम है थोड़ा बहुत वो कर लेंगे। तो फिलहाल मैं जा रही हूँ थोड़ा सा रेस्ट लेने, लव्या गई है ऊपर छत पे दादी के साथ वो, ठीक है, क्योंकि ऊपर पे जो है उसको ज़्यादा मज़ा आता है और ऊपर जाके वो खेलते रहती है, आंगन में धूप रहता है और ऊपर तो पैक पैक है तो ऊपर पे ज़्यादा धूप नहीं होती है, ज़्यादा क्या धूप होती ही नहीं है, तो वो चली जाती है ऊपर और हम लोग थोड़ा सा कम जाते हैं उधर, क्योंकि सुबह के टाइम पर जो क्या होता है कि देवर मुखिया है तो बहुत सारे लोग उनसे मिलने जुलने आते जाते रहते हैं, तो हम लोग थोड़ा सा कम जाते हैं दरवाजे के साइड। तो दादी के साथ उसको मैं ऊपर भेजी हूँ, बोली थोड़ा सा खेल के जल्दी आ जाओ, फिर उसको मैं थोड़ा सा पढ़ा भी दूँगी। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं आज यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि
ये ब्लॉग मेरा कल से ही इनकम्प्लीट पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा आज इस ब्लॉग को कंप्लीट कर दूं, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों से मिलूंगी एक नए से ब्लॉग के साथ। आज का वीडियो यहीं तक। आप लोग को मेरा गांव का ये वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और जितना होता है मैं थोड़ा बहुत शूट कर पाती हूँ, तो आपको तो पता ही है कि ससुराल में उतना पॉसिबल नहीं हो पाता कि फ़ोन को लेकर आप इस तरह से हमेशा घूमते घुमाते रहो, तो फिर भी जितना पॉसिबल होता है उतना मैं ज़रूर करने की कोशिश करती हूँ। कोई ना कोई आते जाते रहता है तो फिर फ़ोन को रखना पड़ता है, तो कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो मैं शूट नहीं कर पाती हूँ, थोड़ा बहुत मैं क्लिप उठा लेती हूँ। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।